हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो फाइनली दोस्तों, टिकट का काफ़ी दिनों से इंतजार था, तो हमें फाइनल टिकट मिल गया है बस से। तो अभी हम निकल रहे हैं यूपी टू दिल्ली वाया बस। तो गाइस, अभी हम लोग दिल्ली घर से निकल रहे और सीधा जा रहे हैं बस स्टॉप पे, और वहां से एक्चुअली हम निकल रहे हैं दिल्ली के। जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा कि यार, हमें यहाँ से टिकट नहीं मिल रहा था, इसके लिए हमें मजबूरी में दिल्ली निकलना पड़ रहा है वाया बस। तो अभी हम लोग पहुँच रहे हैं बस स्टॉप, ये आप देख सकते हो ब्यूटीफुल नज़ारा। तो गाइस, अभी हम लोग जस्ट पहुँच चुके हैं बस स्टेशन पे, और पीछे हमारी गोला की जो बस है वो लगी हुई है। तो चलो, पहले थोड़ा सा टाइम है अभी, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद बस में बैठेंगे। तो यार, भूख तो लगी थी, तो हमने ऑर्डर किया यहाँ पे ऑमलेट एंड साथ में दोस्तों गर्मा गर्म चाय। तो चलो यार, सबसे पहले चाय थोड़ा सा पीते हैं, बॉडी को हीट अप देते हैं, एंड उसके बाद सीधा एंटर करते हैं बस में। तो ये रही गाइस हमारी बस, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। और जैसे हमने बस में एंटर किया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छी बस है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी बस होगी। तो चलो फटाफट से जाते हैं, हमारा 34 नंबर था, तो यार 34 नंबर, चलो एंटर करते हैं। तो गाइस, फाइनली अभी बस में बैठ गए, और ये है हमारा स्लीपर, और पापा भी यहाँ पे है, और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, दो लोग तो इजीली बैठ के, मतलब सो के जा सकते हैं दिल्ली की तरफ। तो चलो इस ट्रैवलिंग जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो पापा, कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, लाइक टू ट्रेन, ट्रेन के जैसा पापा बोल रहे हैं। तो गाइस, फाइनली हमारी बस जो है वो चल पड़ी है, और देख सकते हो आप लोग मूविंग कंडीशन में स्टार्ट हो गई। 10-15 मिनट लेट है, लेकिन फिर भी कवर कर लेगी, देखते हैं कल मॉर्निंग तक। तो यार, बस तो हमारी चल पड़ी और बेहतरीन तरीके से नज़ारे दिख रहे थे यार। मैं तो यार विंडो सीट पकड़ के बैठ गया था, मतलब सो भी रहा था, बैठ भी रहा था बीच बीच में, और आप देख सकते हो मतलब बीच बीच में हाईवेज आ रहे थे और हाईवे के ऊपर से जा रही थी बस, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एटमोसफियर। एंड धीरे धीरे करके इवनिंग हो रहा था गाइज, एंड इवनिंग जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे थोड़ी सी ठंडी भी बढ़ने लगी। ऑल दो एसी बस थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो चलो अभी थोड़ी देर में हम लोग रुकते हैं एक जगह पर, जहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो यार ऑलरेडी मैंने एक नींद मार ली थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा नींद में था, और थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमने किया, जो कि था यहाँ पे बर्गर। तो थोड़ा सा बर्गर वगैरह खाते हैं, एंड उसके बाद हम जाएंगे बस में। और देखो, ये देख सकते हो आप, ये रही हमारी बस जो कि खड़ी है। तो चलो एंटर करते हैं। तो फिर गाइज, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग जैसे ही बस में आए वैसे ही हम लोग सो गए, और जैसे मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ यार, हम ऑलरेडी दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हो यमुना एक्सप्रेस वे, यानी दिल्ली हम पहुँच चुके हैं, और ये रही बस, और यहाँ पर हम लोग उतर चुके हैं। तो गाइज, जस्ट अभी हम लोग उतर चुके हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की तरफ, और यहाँ से मेट्रो लेंगे एंड सीधा जाएंगे उत्तम नगर। तो गाइस, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन जस्ट मैं पहुंच चुका हूँ, जिसे आप देख सकते हो पापा लगेज लेके खड़े। और अभी हम लोग एक्चुअल में जा रहे हैं उत्तम नगर मेट्रो पकड़ के। बाय रोड भी जा सकते थे, लेकिन मेट्रो जो होता है वो ट्रैफिक के लिए बेटर होता है, एंड मॉर्निंग का टाइम है, और 4 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है ऊपर, आप देख सकते हो। चलो फटाफट से कैच करते हैं ट्रेन। और ये देख सकते हो आप गाइस, ये है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, एकदम मुंबई के जैसा वाइब्स आ रहा है यहाँ पे। और फाइनली हमारी जो मेट्रो है वो आ चुकी है, और चलो यार फटाफट से फिर मेट्रो के अंदर एंटर करते हैं। और ये हमको सीट मिल गई फाइनली। तो चलो, क्राउड काफ़ी कम था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो चलो इन्जॉय करते हैं इस जर्नी को, जो कि 40-45 मिनट्स लगेंगे दीदी के घर पर पहुँचने के लिए। तो चलो फटाफट से पहुँचते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे, एंड थोड़ा सा रेस्ट करके खाएंगे क्योंकि इवनिंग में वापस से ट्रेन पकड़नी है यार। तो फिर गाइस, खाना वाना खा के हम निकल पड़े ट्रेन पकड़ने के लिए, लेकिन बीच में हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी, एंड ट्रेन के लिए टाइम था, इसके लिए साथ में हम निकल पड़े एक जगह जो कि था शॉपिंग करने के लिए। तो साथ में दीदी एंड उनकी फैमिली भी आई हुई थी। तो अभी हम लोग रिक्शे पे हैं और रिक्शे में बैठ के जा रहे थे, तो फटाफट से जाते हैं। एंड साथ में है मेरी एंजल, तो एंजल बोल रही थी यार मुझे व्लॉग बनाना है। तो चलो यार, मैं उसको अभी मोबाइल पकड़ाता हूँ, देखता हूँ कैसे व्लॉग बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं आर्य समाज राहुल मामू के साथ। राहुल मामू, हमारे राहुल मामू, ये है मम्मा। हाय मम्मा, शक्ल दिखाओ। और ये है चाची। दादू अपनी शक्ल दिखाओ। ये है दादू। फ्रेंड्स, सब हमारे यहाँ पे खड़े हैं, फ्लावर वाले, और यहाँ पे जा रहे हैं। फाइनली गाइज, मार्केट में हम पहुँच गए, और बहुत सारी यहाँ पे हमने शॉपिंग की जो मुझे लेके जाना था, एंड उसके बाद हम सीधा निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये आप देख सकते हो, हम पहुँच गए निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली का है, और ट्रेन में एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली गाइज, ट्रेन में चले जाऊँ क्योंकि अगस्त का आंटी मुंबई जाने के लिए। फाइनली बहुत टाइम के बाद टिकट मिल चुका है, अभी से
राजधानी ट्रेन की गाइस बात ही कुछ और है, साथ में फ्री मील्स भी देते हैं। तो यार हमने मील्स ले लिया और काफ़ी एंजॉय करते हुए हम लोग ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले, मात्र 13-14 घंटे के अंदर हम दिल्ली से लेके मुंबई तक पहुंचने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ राजधानी एक्सप्रेस। और आप देख सकते हो कितनी फास्ट इसकी स्पीड है और बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे बोरीवली रेलवे स्टेशन, एंड बोरीवली रेलवे स्टेशन जल्दी आने वाला है। तो फाइनली ऑलमोस्ट 5 मिनट बाकी है रेलवे स्टेशन आने के लिए, तो पापा और मैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे पूरे सामान के साथ, लगेज आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे अंकल थे उनके भी